जनाब स्पीकर साहब, मैं ना मेरा जो सवाल था वज़ीर मौसूफ़ से, क्या वज़ीर वज़ीर सानवी तालीम अज़राए करम मुतल फरमाएंगे कि बाहम माजूरी एक्ट पर्सन विद डिसेबल एक्ट 2017 के तहत कुल कितने स्कूलों तक अफराद बाहम माजूरी को रसाई हासिल है? नी सरकारी स्कूलों को अफराद बाहम माजूरी के लिए काबिल रसाई बनाने की गर से उठाए जाने वाले इकदाम की तफसील दी जाए। मिनिस्टर साहब ने बड़ा मुख्तसर साहब जवाब दिया है, हुकूमत बलूचिस्तान मुकमे तालीम के जेर तमाम जेर इंतज़ाम चलने वाले तमाम सरकारी स्कूलों में पहले ही से माजूर अफराद के दाखिला लेने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी कतगन नहीं है और माजूर अफराद सरकारी स्कूलों में बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बाहम माजूरी एक्ट 2017 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए जरिए मंजूर नाफिज किया गया है। लिहाजा मुकमे तालीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानब से फराम करद तजावीज़ और रहनुमाई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी स्कूलों को बाहम माजूर अफराद के लिए काबिल रसाई बनाने की गर्ज़ से इकदाम उठाए जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, बुनियादी तौर पर मेरा सवाल ये था कि दुनिया भर में माजूर अफराद के लिए स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, पब्लिक जितने भी मकामात है वहाँ पर माजूर अफराद के लिए हर जगह वहाँ बंदोबस्त होता है। सीढ़ी चढ़ने के लिए भी वहाँ पे बंदोबस्त, पार्किंग में भी उनके लिए बंदोबस्त होता है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि हुकूमत ने या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अभी तक कितने स्कूलों में, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस हॉस्पिटल में माजूर अफराद के लिए बंदोबस्त किया है? इवन अगर माजूर अफराद हमारे असम्बली आ जाए, यहाँ पर उनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ें नहीं। मेरा क्वेश्चन बुनियादी तौर पर यह था।